अदृश्य वो शक्ल तक नहीं दिखाई तुमने। दीदी हिमालय की हसीन वादियों को छोड़कर यहाँ मैं वापस किस लिए आता? उस बूढ़े के लिए। आपको पता है वहां मैं जब चाहे मर्जी सोता हूँ, जब चाहे मर्जी उठता हूँ, अपने हिसाब से सारे काम करता हूँ। और यहाँ मैं वापस इस राज्य में किस लिए आता? उस पापी बूढ़े और डायन के लिए जिसे साथ में मिलके दोनों चलाते हैं। अपने पिता और भाभी के बारे में बात कर रहे हो तुम, उससे शर्म करो। वैसे तुम मेरे ही लिए क्यों नहीं आते? मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की देखती हूँ और हम सारे खुशी से रहेंगे। दीदी आपको तो पता है ना मैं शादी नहीं करूंगा। हाँ लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि शादी ने माँ को कितने दर्द दिए हैं। पूरी जिंदगी माँ ने उस आदमी की सेवा करने में लगा दी। कहाँ था वो आदमी जब माँ बीमार थी? कहाँ था वो आदमी जब माँ आखिरी सांसें ले रही थी? बिल्कुल अकेली पड़ गई थी माँ। और ऐसे मैं किसी और के साथ नहीं करना चाहता, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अपनी बीवी के साथ वैसा ही व्यवहार करोगे जैसा पिताजी ने माँ के साथ किया था? क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा नहीं है दीदी। मुझे आज भी माँ का वो हताश चेहरा याद है जब तुमने माँ से बोला था कि पिताजी यात्रा के बाद वापस घर लौट के नहीं आना चाहते।